मिस्त्री भाई आए हुए हैं, दरवाजे लग रहे हैं हमारे किचन और बैठक के। किचन का दरवाज़ा जो है अभी लग चुका है, आप देख सकती हैं सेम डिज़ाइन के बनवा रहे हैं ना। बच्चे सुबह का नाश्ता कर रहे हैं ना। मैरी हाँ? स्कूल जाना है। गर्मा गर्म दूध पत्ती चाय हो और साथ में देसी बॉईल किया हुआ एक अंडा हो तो क्या ही नाश्ते की बात हो जाती है। मेरे साथ नाश्ता करना है चाय और अंडे का तो आ जाए। ये आप समझेंगे कि ऊपर चीनी डाली हुई है, ये भाई आयोडीन का नमक है। आज हमारी जो है सीढ़ी की ये लग रही है और कल जिस तरह से आपको दिखाया, घर का काम आहिस्ता आहिस्ता फाइनल होता ही जा रहा है। जिस तरह से आप सबको दिखा रहे हैं आज ये डीजी खान सिटी से बंदे आए हुए हैं सीढ़ी की ये लगाने ग्रेल। कल हमारे किचन और बैठक के दरवाजे मुकम्मल हुए, खिड़कियां और दरवाजे। परसों जो है गेट का फ्रंट नहीं बना था वो बनवाया। तो घर के काम भी साथ साथ हो रहे हैं, सफाइयाँ भी, और मेरी तबीयत का भी आप सबको पता है। माशाल्लाह से ये है जी फाइनल लुक, अभी मिस्त्री भाई लगा कर गए हैं। अभी इस दीवार की ग्रेल जो है रहती है लोहे की, लगवा रहे इस साइड पे। ये हमारे गेट का बैक है, ये दरवाजे लग चुके हैं। घर सारा अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरजे महविश। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज के व्लॉग का आगाज करते हैं, तो वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप स्किप नहीं करना। YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकोन को दबाना मत भूलें। नहाने की तैयारी है, आज जुम्मे का दिन है और हम कहाँ जा रहे हैं? डीजी खान। फैजान नहाने लगा है, मायरा मुंह धो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया जी आपको मेरे यूट्यूब चैनल आरजे महविश में। अल्लाह पाक से तमाम बहन भाइयों के लिए दिल से दुआ गो, मेरे लिए भी दुआ कर दें। काफी दिन के बाद आज वीडियो बना रही हूँ, वो भी बिल्कुल डीजी खान। हम डॉक्टर के पास रवाना हो रहे थे, मैंने सोचा कि जिंदगी की आखिरी वीडियो भी हो सकती है, सो इसीलिए वीडियो बना लेती हैं। ज़िंदगी के अगले पल का कोई पता नहीं है, जब से मुस्कान चली गई उसके बाद से तो अभी इतना डर लगता है ना कि बस एक हंसता खेलता हुआ इंसान एक मिनट में किस तरह से हाथों से चला जाता है। काफ़ी सारे बहन भाइयों को बेबी का इंतज़ार था और 40 वीक मेरे जो है मुकम्मल हो गए, लेकिन पेन वगैरह मुझे नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ।
डॉक्टर्स ने भी काफ़ी इंतज़ार किया, आप सब ने किया, मैंने भी किया। मुस्कान जब मुस्कान की डेथ हुई तब सातवां महीना चल रहा था, सो इसी वजह से मुस्कान की बहुत ज़्यादा टेंशन ली, जिसकी वजह से बच्चे का पानी जो है कम हो गया है। अभी डॉक्टर कहते हैं कि बस यही हल है, या तो आप 24 घंटे के अंदर अभी ऑपरेशन करवा लें, वरना फिर नतीजे के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो पहले जो मेरे बच्चे हुए थे नॉर्मल हुए थे, सो इस वजह से दिल बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। इस वजह से नहीं कि मुझे मौत से डर लग रहा है, बस इस वजह से डरी हुई हूँ कि छोटे छोटे बच्चों का पीछे क्या होगा। बाकी आज सारे घर के काम मुकम्मल करवा लिए, सुबह से लगी हुई थी, घर का काम वगैरह फाइनल किया, बच्चों को नहलाया और खाना वगैरह खिलाने के बाद तकरीबन असर का टाइम है, 4 बजे डॉक्टर ने टाइम दिया हुआ है, हम डीजी खान निकल रहे थे। मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी ये बात भी शेयर कर दूं और उनसे गुजारिश भी कर दूं कि मेरे लिए दुआ कर दें, क्या पता ज़िंदगी की ये आखिरी वीडियो हो, उसके बाद मुस्कान की तरह आप लोग मुझे बस इन्हीं वीडियोज़ में याद रखें। और ज़िंदगी की कितनी सारी तकलीफें सही, कितनी मुश्किलात से मैं गुजरी, आज तक मेरी हिम्मत नहीं हारी इस मुआशरे में, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इतने अच्छे लोगों से मिलवाया, इतनी रिस्पेक्ट दी लोगों ने मुझे, इतना प्यार दिया, वहाँ पर चंद ऐसे कमीने भी मिले जिन्होंने मुझे जलील करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन सब को दिखाने के लिए मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। और आज भी मुझे ऑपरेशन करवाते हुए डर नहीं लग रहा, बस इस बात से डर लग रहा है कि अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया तो पीछे मेरी आजान का क्या होगा, मेरी मायरा का क्या होगा। तो बस यही कुछ सोचते हुए, पहले मैं नहीं डरती थी, मुझे पता होता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो पीछे मुस्कान है, मुझसे ज़्यादा अपने बहन भाइयों से प्यार करने वाली, मुझसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली। लेकिन आज इस मोड पे देखें, पीछे पूरा घर अकेला खड़ा है, बस आजान और मायरा खड़े हैं, तो ये सोचते हुए डर लग रहा है कि अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया तो छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। और कितना वो कहते हैं कि एक चिड़िया जो होती है एक तिनका इकट्ठा कर करके मुंह में लाती है और अपना आशियाना बनाती है, तो मैंने अपने बच्चों के लिए सर छुपाने का जो ठिकाना बनाया है ये मुस्कान के तो नसीब में नहीं हुआ, अब पता नहीं मेरे भी नसीब में होता है या नहीं। पीछे बस अल्लाह पाक मेरे बच्चों को इस घर में आबाद रखे, मेरे तीनों बच्चे मेरे बाद वही, बस उनके लिए चलो मैंने ठिकाना बना दिया। उनके बाप ने तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सोचा था, बस निकल ही रही थी डॉक्टर के पास, मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली को बता दूँ, मेरे हक में दुआ कर दें कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से मुझे दोबारा अपने घर में वापस ले आए, बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। 5 से 6 दिन बहुत ज़्यादा मसरूफियत रही, गेट का फ्रंट वगैरह 2 दिन बनाते रहे, उसके बाद 1-2 दिन दरवाज़ों पे लगा, कल जो है सारा दिन ये सीढ़ी का काम उन्होंने मुकम्मल किया, क्योंकि मुझे डर लगता था बच्चे भागते थे आजान और मायरा, मैंने सोचा कि नीचे ना गिर जाए, तो सीढ़ी की ये सीलिंग का काम मैंने सोचा कि मैं लाजमी अपने हाथों से करवा दूँ। सो आज पूरे घर को मुकम्मल कर दिया अपने बच्चों के लिए, अभी जा रही हूँ अल्लाह की आस पे। और आप सब ने इतनी मोहब्बतें दी, इतना प्यार दिया कि मैं आप सबकी शुक्र गुज़ार हूँ। वहाँ पर जो चंद शैतान मुझे सताने के लिए मिले, जिन्होंने मुझे इस हद तक मजबूर किया कि या तो ये औरत हमारे साथ उठे बैठेगी, दोस्तियाँ करेगी, हमारे साथ रिलेशन रखेगी, वरना इसको मरने पर मजबूर कर देंगे। तो आज उन बेगैरतों के लिए मेरा यही पैगाम है कि देखो आप लोगों ने मेरी बेटी को मरने पर मजबूर किया, आप लोगों ने हमें तंग किया, हालांकि हमने आपसे कोई हमारा लेन देन नहीं था, हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हम सर उठाकर इस मुआशरे में अपनी मेहनत कर रहे थे, अपनी रोजी कर रहे थे, आप लोगों ने मुझसे मेरी बेटी को छीना, मेरी हिम्मत नहीं छीनी थी। और आज फख्र के साथ जा रही हूँ, मर भी गई ना तो दुख नहीं होगा, इस बात की खुशी होगी कि किसी शैतान के साथ मैं सोई नहीं, किसी शैतान के साथ कोई गलत काम नहीं किया थी, और फख्र से ही दुनिया से जाऊंगी। बाकी अल्लाह पाक बेनियाज है, क्योंकि मेरे बच्चे नॉर्मली होते थे, मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है, और जब से मुस्कान की डेथ हुई है उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ, ब्लड प्रेशर जो है मेरा हर टाइम लो रहता है और ब्लड की भी मुझे कमी है, जिसकी वजह से कुछ दिल घबराया हुआ है। बाकी अल्लाह पाक बेनियाज है, जो नसीब में लिखा है मिलना तो वही है। तो आज सारी दिल की बातें आप सब बहन भाइयों के साथ शेयर करने के बाद इंशाल्लाह जा रही हूँ, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, नहीं तो फिर ये ज़िंदगी की आखिरी वीडियो होगी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मेरा देवर आ गया, हम बस निकल ही रहे हैं।